꿈꾸나무.
what they were doing the paper and by using the rounder, protractor, everything. They were making the sketches. वो स्केच कितना परफेक्ट आता था वो कैलकुलेशन न्यूटन ने भी क्या किया न्यूटन ने बहुत सारा कैलकुलेशन पहले पेपर पे आइंस्टाइन पहले पेपर पे डजंस ऑफ पेपर मेड बोर्ड भी ऐसे कभी देखा होगा आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह तो ऐसा था आइंस्टाइन वॉज वेरी वेरी फास्ट इन मैथ्स इस असर कर दी तो स्कूल मजे एवढा डल होता है मजा रहा क्लोज देते
अपने आप को स्पीड से राउंड करना चाहते हैं. आई कैन नॉट शो नाउ, आई डोंट हैव दैट वीडियो एंड ऑल. होता है एकदम थोड़ा 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 धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आते हैं और जैसे जैसे उनको स्पीड बढ़ाना है तो क्या करते हैं अपना हाथ नीचे. अभी क्या हुआ, हाथ जब इधर था तो मास कैसे हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना. अरे ऐसा वाला एक्सेल ऑफ रोटेशन तो वही है, वो घूम रहा है टेबल है कि राउंड टेबल उसके ऊपर घूम रहा है. एक्सेल ऑफ रोटेशन वही है लेकिन मास अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा, नहीं तो ये ऐसा 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 करूंगा ऐसा करूंगा तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास किसके है ना बेटा. अरे ऐसा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या विल बी कांस्टेंट और विल बी चेंजिंग, चेंज हो जाएगा. वो कब हो जाएगा, जब वो पूरा बॉडी अपना हाँ एक साथ रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ऐसा रोटेशन तो ऐसे चलेगा. अगर वो घूम रहे अरे ऐसा कंसिडर दिस एज अ बॉडी, ऐसे घूमेगा तो बीचों बीच जाएगा ऐसा रोटेशन. अगर ये बॉडी को इधर से कुछ जोड़ दूँ, यहाँ से जोड़ दूँ, वहां से जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास गिर जाएगा. सो इट विल अफेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज. तो ऐसा करते समय स्पीडिंग when they take their arms, legs or very near to each other, in that case what will happen? The moment of inertia will decrease and its angular velocity will, okay, right down. उसको क्या बोलते हैं, acrobat बोलते हैं ना, acrobat performance. Second, in the acrobat performance, A C R O B-A-T, na, acrobat. Acrobat performance. Acrobat renders to, this is spinning up. This is the spinning. B-A-T. In the acrobat performance, performer, let's see you in the calendar. But some things must be there. Performer, take their arms and legs very near to the body thereby decreasing moment of inertia I and increasing omega, thereby decreasing I and increasing omega. इसके ऊपर एक दूसरा कर, मैं ग्राउंड टेबल पे खड़ा हूं विच कैन बी मूव्ड विच कैन बी रोटेटेड एज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. नीचे उसको व्हील लगाया, बॉल बेयरिंग लगाया, सब टेबल मैं चल रहा हूं. हां, मेरे हाथ में आपने ऐसा वेट डालना चाहो दोनों बाजू पूरा, जैसे तंगन पहनते राजस्थान वगैरह में पहनते ना बड़ा, आई डोंट क्या हो गया, चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया. वो किसकी वजह से हो गया, आर. अभी क्या हो
वो कम हो गया, अगर मास कम हो गया फिर भी क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अरे सर इफ आई इज डिक्रीजिंग ओमेगा शुड इंक्रीज, मेरा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अरे सर सो आई कैन चेंज माय एंगुलर स्पीड। अरे सर उल्टा उल्टा किया इसमें और उठा दिया मैं फटा होता है फटा कोई दे रहा है मेरे को वेट ऐसे आपको मैंने खड़ा किया मेरे को मैं बोल दूँ तो आप एक एक मिनट दे दो एक मिनट डाला अभी क्या हो गया मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा इट विल इंक्रीज। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो यही यही पॉइंट है। तो अगर हाफ में ऐसे करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज और इंक्रीज इंक्रीज ऐसे करूंगा तो डिक्रीज। यहाँ पे वेट है हाथ में बहुत वेट बहुत है अभी क्या करूंगा वेट कम करूंगा वेट मतलब जो डाला है मास मास बोलूंगा मतलब आपको ए मास मेरे को समझे मास कम करूंगा आई विल डिक्रीज मास बढ़ाऊंगा तो आई विल इंक्रीज। इफ आई विल इंक्रीज ओमेगा विल इफ आई विल डिक्रीज ओमेगा विल इंक्रीज। ओके अभी लिखेगा कैसे है बाहुबली का टप्पा नथिंग नॉट लाइक दैट। ओके राइट नाउ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग टेबल carrying weights in his hands can change its angular velocity of rotation that is क्या चेंज हो जाएगा लास्ट में क्या चेंज हो जाएगा स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म बाय नंबर वन बाय चेंजिंग द आर्म पोजिशन करेक्ट ना ये पहले हो जाएगा आर पोजीशन चेंज किया ऐसे है ऐसे किया कुछ भी किया बाय चेंजिंग द आर पोजीशन एंड सेकंड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेट्स इन द हैंड बस दैट्स ऑल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेट्स इन द हैंड। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बताओ आप घर में भी कर सकते हो। ओके एक राउंड टेबल ले लो अगर घर में है उसको घुमाओ उसके ऊपर पहले वेट डालो वेट होता है ना 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो इसका वेट सेम मास से तो पहले एक डालो हाँ बाद घुमाओ उसको एक डालो घुमाओ देन दूसरा डालो अभी देखो क्या होगा क्या उसका स्पीड कम होगा। अरे सर और एक डालो क्या उसका स्पीड कम होगा रुक जाना नहीं चाहिए रुकने से पहले निकाल दो देखो क्या उसका स्पीड इंक्रीज करना है। अरे सर दिस स्मॉल एक्सपीरियंस यू कैन डू एट होम। ओके जब कभी आपको एंड पे नहीं रहते ना एंड पे रहता तो अलग इफेक्ट आएगा वो क्या होता है समझेगा मैं तो विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स can understand what the effect different effect happens. Okay number 4 organ is
BIMP effect of change in radius. Effect of change in radius of the earth on what are you doing? Suppose earth radius shrinks and suppose hypothetical is hypothetical is हाँ क्या हुआ चेंज क्या हुआ और क्या करते हैं बस्ती है ना क्या करते हैं मूव करते हैं रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज रोटेटिंग अबाउट द सन सो इट विल हैव इट्स टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वन रिवॉल्यूशन अरे सर सो t इज इक्वल टू यस्टरडे आई टोल्ड यू t इज इक्वल टू 2 pi upon omega and omega will be 2 pi upon the radius of my yesterday told you. So if radius is decrease or increase, then its moment of inertia will change, angular velocity will change. If angular velocity is changing, then time period will change, yes or no. How it will change? That means, okay, what you wrote, effect of? Or on the time period of Earth. Time period of Earth, then? Time period of revolution of the earth. Time period of revolution of the earth. Pehle kya likhna hai? L is equal to constant. Matlab L is equal to I omega पॉइंट मिले तो नुस्त सांगतो लिहून घ्या बाकी ऐकलं असेल तो पहिले बघायचं आहे बेटा रिव्होल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड द सन हा कुठे लिहून घ्या चालेल ना तुम्ही गाडी बंद करून ठेवा चालेल बंद उगाच डिझाईन जाऊ एक्सक्लुसिव्हली फॉर A4 नाही A3 ना revolution of planet around the sun okay when planet is nearer to sun when planet is nearer to sun kitna hoga is it that झुक कर लाइट का बंदी नहीं लाइट भी नहीं बंदी व्हेन प्लैनेट इज नियरर टू सन आता सांगून गेले माइक मागे पकडा मग एक मुलगी सांगून गेली एक वर येते इज माय वॉइस कमिंग प्रॉपरली Is my voice coming properly? They will comment, they will hear. When a planet is nearer to sun, I decreases. Full stop. According to conservation of angular momentum, according to conservation of angular momentum L is equal to I omega is equal to constant L is equal to I omega is equal to constant झोपू नका तुमच्यासाठी नाही तुम्ही झोपू नका So, omega will increase. So, omega will increase.
So we can write now, when planet is near to sun, I decreases, omega increases. When planet is nearer to sun, I decreases, omega increases, and vice versa. That's all. Second, let me wait for. Second, in acrobat performance, acrobat, acrobat performance, comma, performer take their arms, comma, legs in acrobat performance, comma, performer take their arms, comma, legs very near to the body, very near to the body, very near to the body, thereby decreasing I, increasing omega, decreasing I, increasing omega. Number three, a man standing on, rotating table. Sir, come on, Arvind. We are actors, the great actors, not only teachers. A man standing on a rotating table and carrying weights in his hands, comma, can change its nature. Can change its angular velocity of rotation, that is speed of platform, bracket complete. That is speed of platform, bracket complete, by number one, kaise change kar sakta hai, number one aise change kar sakta hai, kaise, number one changing R position, jo hona ka, don't slip, not for you, changing R position. Second, by increasing or decreasing weights in hand, Dhanyavaad. Now last one is VIP, that is, what is that last one, number 4, effect of change in radius of earth, जैसे इनको दिया है वैसे आपको दे रहा हूं, effect of change in radius of earth on time period of revolution of earth, okay, but I is equal to I omega is equal to constant, fact is solvable. Don't take it personally. Personally, I said, now something.
असं कधीतरी घेत नाही
CCTVs are active. I can see your class anywhere. I'm there. Okay, on my mobile. These facilities are there with us. Okay. So, मैं अंतर सामने बस मैं कहाँ ओवर डी सुना समझ मैं आप बस के लाभ के लिए पैक और ठीक चल सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर्स तो बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी यू हैव टू कीप इन माइंड आई ओमेगा कांस्टेंट देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हेनेवर एन इज नॉट चेंजिंग आप ये यूज कर सकते और ये एन कब चेंज नहीं होगा ये कैसे समझेगा प्रॉब्लम है हाउ यू कैन जस्टिफाई इन दिस केस देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट कैसे कैसे पता चलेगा रीड करो उसको जरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहला स्टेटमेंट क्या है रीड करो बेटा If no external torque is acting on the system of rotating particle, पहले आपको देखना पड़ेगा जैसे हमने center of mass में देखा था एक आदमी है ना man is standing on the wedge or not wedge say boat the boat is steady man is steady अरे sir nobody is pushing pulling man nobody is pushing pulling boat no wind is blowing nothing is there so now in this case there is no external force is acting Yes or no? Yes. Then we have used conservation of linear momentum, explosion of the bomb. Explosion के पहले bomb का momentum कितना था? Zero था. Explosion होने के बाद दो fragment बन गया. एक fragment यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ चला गया. इसका m1 v1, इसका m2 v2. तो मिला के m1 v1 plus m2 v2. Initially कितना था? Zero. उसको equate किया. वैसे ही the same way here you have to just फर्स्ट फाइंड आउट अगर सिस्टम के ऊपर टॉर्क मिल रहा है बाहर से तो ये एप्लीकेबल बिकॉज इफ टॉर्क इज गिवन ऑन द सिस्टम इट मींस दैट एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंसर्व अगर वो एक्ट नहीं हो रहा है मींस दैट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल देन इट इज वेरी सिंपल I1 omega 1 is equal to I2 omega समझ गए यहाँ पे रेशियो I1 upon I2 omega 2 upon omega 1 and vice versa that's all so that was a very important thing and last lecture means in last week we have started with somewhere that rotational kinetic energy translational kinetic energy everything is there na so now we will start slipping rolling and spinning. What is the difference between slipping, rolling and spinning? Let me show you. Okay? Shall I love this? Is there any doubt? Will I go or whatever? इसमें और भी केसेस हो रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके थे मैंने मैंने बोला है आपको जो जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सॉल्व करने ले रहा हूँ उसको एज अ पार्ट ऑफ लेक्चर ही करो उसमें आपको केस मिले ओके बिकॉज फॉर ईच चैप्टर आई कैन नॉट मेक द नोटिंग लाइक कोलिजन कोलिजन में क्या किया था पूरा मैंने नोटिंग किया और वो आपको एक 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 करके दिखाया रोटेशन ऐसे करने से बहुत अलग अलग से केस है स्टिल आई कैन ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मैनेज सम ओके तो हेडिंग डालो स्लीपिंग मतलब नॉट स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीप कर हाँ मतलब रोल नहीं करेगा स्लीप कर दीजिए स्लीपिंग एस एल आई डबल पी आई जी सेकेंड क्या हो जाएगा स्पिन करेगा स्पाइनिंग एस पी आर एन ऐसे हो जाएगा SPI, double N, ING, spinning or spinning and rolling.
आपको बताया मैंने लास्ट लेक्चर को. ओके नंबर वन स्लीपिंग. हाउ कैन यू ड्रॉ द डायग्राम? बीच में ने चालू किया था.
have got this. So I will not wait. इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा, आगे दो इक्वेशन कर रहा है। I must give you that. Do not waste the time. We will complete. और रोलिंग के लिए मैंने चार दिन लगाए मेरे प्लानिंग में. There is no problem. Still half an hour is there. I think I will complete today. Then we will work for the problem. Is this clear? अभी देखते हैं. Spinning or spine, whatever you can call this. Is okay, brother? What's your good name? Your new fellow? Okay, stand up, brother. What's your good name? Sakshi. Sakshi? Sharma. Sharma, from where? Mandau. You're native of Mandau? No. Are you from UP? No. Then? I'm from Punjab. Punjab? Yes. Sharma from Punjab. Okay. नहीं तो मैं बोल सकता हूँ ना फैमिली मेंबर को ऑल ऑफ द इंडिया माय स्टूडेंट्स आर देयर शर्मा फ्रॉम पंजाब सम साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आल्सो आर देयर ऋषि फ्रॉम केरल आप पास हो गए आपको ओके चलो जो सब आए एक डायग्राम बनाओ उसमें क्या नहीं आएगा बोलो स्पिनिंग बोलो आप ही करते जाओ मैं आपको हेल्प करूंगा पढ़ाई के लिए क्या बनेगा बेटा आप ही बोलो ये भी स्लीप कर रहा है तो ये ऐसे आएगा बने अब इसको स्लीप नहीं करना है जस्ट स्पीक करना है क्या कर रहा हूँ सब भी है ना इनको खाली स्पीक करना है वैसे दिखाओगे एक व्हील दिया कुछ तो यहाँ पे एक्सेल वगैरह लगाया अरे सब लोग अभी क्या हो गया बेटा व्हील विल स्टार्ट स्पिनिंग व्हील आगे नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा इधर नहीं जाएगा उधर नहीं खाली स्पिन कर चलेगा अरे सब मतलब आप ऐसे ही चल रहे हो टायर पंचर हुआ कुछ रिंग में को प्रॉब्लम हुआ तो अब निकल देते हो और वही मशीन पे लगाते और ऐसा घुमाते घूमते ऐसा ऐसा घूम गया ऐसा दिखे तो उनको लगता है आउट आउट बोल वो सीधा कर देंगे स्पोक्स होते ना उसके दैट इज आल्सो फिजिक्स ओके आई डोंट हैव इनफ टाइम सो वी इज इक्वल टू जीरो ओमेगा नॉट इक्वल टू हो गया मैंने बताया था यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास विल हैव ट्रांसलेशन ऑफ मोशन अरे सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है क्या मान सेंटर ऑफ मास विल हैव ट्रांसलेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या यहाँ पे E will be कौन सा है रोटेट हो रहा है E रोटेशन है मतलब कितना आएगा आ बताया मैंने I आएगा square energy total will be the rotational kinetic energy इसको आप देख सकते हो translational T E गड़बड़ तो होगा गड़बड़ मारा पड़ जाए एग्जाम करेगा समझा ना हाँ ये ऑर्डर है बंदा कि बस नेवर डू स्पोर्ट ये बोलते थे ना जागे को क्या स्थिति हो गया अभी रोलिंग रोलिंग दोनों भी आए करते हैं अभी उसका कुछ इक्वेशन है वो अभी करके दिखाओ एकदम इंटरेस्टिंग नाउ इट इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग हाँ एक एक केस देखना पड़ेगा हो गया ये आपका हो गया
चलो नंबर थ्री रोलिंग लिखो भाई टाइम कम रोलिंग में कैसे दिखाएंगे बेटा तो एक तो क्या होगा सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं होगा अरे ऐसा हो सरफेस में भी सम सॉर्ट ऑफ रफ सरफेस तो बॉडी को वेलोसिटी भी मिलेगा बॉडी को घुमाया भी है एंगुलर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो लीनियर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो क्या मिलेगा हाँ हाँ तब करोगे बताने का जरूरत नहीं है ई टोटल इज इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशन ये मैंने लिख के दिया अभी इसमें क्या क्या लिखना है दो तीन फॉर्मूले दैट यू हैव टू मेक इट बॉक्स ओके तो कर दे ई टोटल हाँ ई रोटेशन लिखना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ई ट्रांसलेशन है हाफ एम वी स्क्वायर ये तो है अपना
एक पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना, हाँ ये मतलब क्या बेटा, रेडियस ऑफ वेरिएशन। तो रेडियस ऑफ वेरिएशन में क्या बोला है, किसी भी बॉडी के लिए आप सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो अगर मैंने सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया तो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज स्केल। सो विल इट बी फिक्स फॉर दिस बॉडी इफ वी आर नॉट चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर विल इट बी फिक्स देयर आर रेडियस दिस है बी ना। सो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी which varies from body to body. तो अगर ring है उसका अलग रहेगा, disc है तो अलग रहेगा, cylinder है तो उसका रहेगा, okay? Write down here k square upon r square, k square upon r square is a constant quantity for given body. कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर गिवन बॉडी, मतलब गिवन बॉडी के लिए उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिक्स है। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो क्या क्या वैल्यू है तो लिख लो, इसको उठाओ बेटा। वैल्यूज ये है, वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहले ले लो रिंग नहीं तो दूसरा क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए से रिंग एंड हॉलो सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर और शेल बोलो। इसके लिए a square by r square बड़ा, second अपना disc और क्या आएगा solid cylinder, उसको half disc and solid cylinder, हाँ आपका फॉर्मूला क्या है
constant plus 1. Barabar. So this percentage we can calculate, E translational upon E rotation ratio. Ratio of E translational upon E rotation. Okay? कैसे आएगा? कि यहां से जिस बॉडी का वन है तो कितना बन जाएगा? 1 plus 1, 2, 2, 2 will cancel. कितना बन जाएगा? mv square. टोटल एनर्जी समझ गए? उससे करना तो कैलकुलेट करना होता है. सो इफ दिस इज वन, ओके, नंबर वन, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन इंप्लाइज ये रेशियो एक फिक्स होगा, ई ट्रांसलेशनल अपॉन ई रूट. ओके, लिख लो. हाफ एम्पी स्क्वायर
अरे सो इसमें से हाफ हेमिस्फीयर कम करो ना, ये टू हो गया, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, ये फोर बनेगा, हाँ थ्री माइनस टू हाँ तो कितना आ गया हेमिस्फीयर बाय फोर आ गया। अरे सर और ये हेमिस्फीयर ओरिजिनल हेमिस्फीयर ईटी हेमिस्फीयर बाय टू और ई आर सॉरी ई हाँ यार ई आर ई आर कितना आएगा अभी कितना है टोटल में से ट्रांसलेशनल को कम किया आई गेट रोटेशनल ओके सो फर्स्ट फर्स्ट वन इट इज कमिंग आउट टू बी टू इज अबाउट 3 एम वी स्क्वायर बाय 4 ये टोटल उसमें से ये चला गया एम वी स्क्वायर बाय 2 चला गया तो आई गेट टू 3 एम वी स्क्वायर बाय 4 माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया ये 4 बन गया 4 बन गया नीचे 4 लिखा 3 माइनस 2 तो एम वी स्क्वायर बाय 4 बन गया ये बन गया मेरा रोटेशन ये बन गया ट्रांसलेशन टी ई ट्रांसलेशन ई रोटेशन कितना आएगा एम बी स्क्वायर बाय 4 अपॉन एम बी स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा हाँ कितना आएगा कॉन्वर्ट हुआ है ना अरे यार एनर्जी एंड व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक आउट ऑफ यू आर गेटिंग फ्री ना
one thing, at home, calculate ET separately, okay? Hara samajhte ka? Hara yes or no? Calculate ET separately, then E translation ET hone na bata, kya kya E hone, calculate E separately, okay? Calculate ET separately, translation, and calculate E as well. ओके आता मला रेशो कुठला पाहिजे सांगतो ई ट्रान्सलेशनल अपॉन टोटल आणि ई रोटेशनल अपॉन टोटल पहिले जरा बघा हे बघ आय वॉन्ट ई ट्रान्सलेशनल अपॉन ई आणि आय वॉन्ट ई रोटेशनल अपॉन ई ओके अँड आय वॉन्ट ई ट्रान्सलेशनल अपॉन E rotation. Okay, other option. Got it? Can you find this ratio? Okay, so Atma ke char diye. It is your duty to calculate those ratios. Okay, iske upar aaj ke put kar diye. Aaj simple kya hai? Simple kya hai? Utli value put kar. त्याच्यामध्ये किती कमी करायचे हाऊ मेनी आपण कितना कम करणार आहे उसमें से हा बघा स्क्वेअर वो तो हमें मालूम है तो ई ट्रांसलेशन लिखने का जरूरत नहीं हो हर टाइम हाफ एम बी स्क्वेयर ही आए तो जितना टोटल मिलेगा यू हैव टू माइनस लिखने का यू हैव टू माइनस हाफ एम बी स्क्वेयर तो जितना आएगा वो आपका आएगा रोटेशन डिवाइडेड बाय फाइव वो आएगा इंग्लिस रोटेशनल ट्रांसलेशनल के लिए ऊपर रहेगा हाफ एम बी स्क्वेयर ऑलवेज नीचे आपका जो टोटल रहेगा और यहाँ पे ट्रांसलेशनल हाफ एम बी स्क्वेयर रोटेशनल जो जितना बचा है ज्यादा जरूरत किसकी है ये ओके ठीक से तो हो जाएगा इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल शेयर दिस टेबल्स विद यू ऑन द ग्रुप सो दैट यू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम अब आपने अंडरस्टूड अभी स्पिनिंग के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा है वो भी कंप्लीट करो देयर आर एट थिंग्स इन मैथ्स ओके क्लियर ऑफ दिस सो ये आपको करना है फिर से बताता हूं उनके लिए ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल दूसरा रेशियो रोटेशनल अपॉन टोटल तीसरा रेशियो आपके लिए ट्रांसलेशनल अपॉन रोटेशन ये दो मेरे लिए Now, again go for spinning case. Okay? उसके लिए ज्यादा नहीं रहेगा वही चले उसका ज्यादा उसमें कितना रहेगा खाली रोटेशन रहेगा ओके तो कैसे आएगा हाफ सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करेक्ट हाफ आई का मतलब एम ए स्क्वायर ओमेगा करेक्ट Okay. Any more points? So now you can put down or there. Okay. Or one thing you can do for each different one, you can replace omega also. You can get the equation. Omega is this to be upon r. So r and this adjacent. I mean, kya? वैसे ही कह सकते हो बी स्क्वायर अपॉन आर करेक्ट ये कैसे आएगा हाफ एम बी स्क्वायर इन टू कितना है ए स्क्वायर अपॉन जो पार्ट आपने वहां निकल लिया अगर आपको चाहिए तो करो नहीं तो वी हैव ऑलरेडी डन नेक्स्ट ओके सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड इफ द बॉडी इज रोलिंग स्लीपिंग और स्पिनिंग अगर रोल कर रही है तो कौन सा प्लेन दिया है अभी तक मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस स्लीप कर रहा है कभी हॉरिजॉन्टल सरफेस स्टिल आई हैव नॉट डिस्कस विद यू रोलिंग और स्लीपिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन गेटिंग माय पॉइंट नाउ वी हैव टू सी दैट सो नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली वी विल स्टार्ट विद रोलिंग ऑफ द बॉडी आइदर फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप on the inclined plane. उसको
heading लिख सकते हो आप then you can start so now go for next point that is rolling of a body on an inclined plane so next article will be study that in the next class class is not over yet Still 4 minutes are there. So, if you want, then you may look at the board. Otherwise, you are free to do anything. No problem. Future is yours. Marks are yours. Success is yours. Failure is yours. So, very simple. Yeah, it's a body. Okay. Don't write anything. इसका मास m ओके अब ये रोल नहीं कर ये क्या कर रहा है स्लिप कर मतलब क्या हो जाएगा ऐसा का ऐसा वो स्लिप करते 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 नीचे आएगा रोल नहीं तो बॉडी विल जस्ट स्लिप एंड पिक अप ओके व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडिएंट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल अब mgh hai na so when that body will touch the ground surface and it will start moving correct hello sir here total energy is potential energy plus zero kinetic energy nahi usko hello sir बॉडी सोडली ना भी स्टार्टिंग ला सो जस्ट आई स्टार्टेड बॉडी वाज हैविंग ओनली पोटेंशियल नॉट काइनेटिक ओके नाउ इन बिटवीन एनीवेयर अभी क्या हुआ स्लोली स्लोली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी तो यहां पे क्या हो जाएगा बता दे सिंपल लेकिन एक बात सुनो t will be equal to u plus k u not equal to 0 k not equal to 0 अरे सर नो ऐसा करते करते क्या हो जाएगा धीरे धीरे बॉडी का वेलोसिटी यहां पे u is equal to 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल गो अप इंक्रीजिंग एंड व्हेन द बॉडी विल बी एट द सरफेस द टोटल व्हाटएवर द मास पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऐसा तो सही क्यों बता रहे हैं एम आई मैड नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज़ आपको अगर उस बॉडी का वेलोसिटी निकालना है हाँ कितना वेलोसिटी से जाएगा तो अगर ये इफ इट इज फ्रिक्शन लेस देन यू कैन कैलकुलेट और यू कैन कैलकुलेट व्हाट एवर इज द इनिशियल एनर्जी सप्लाइड टू द बॉडी ऑफ मास m दैट वी एंगेज will be totally get converted into the kinetic energy of the body are sir ha half mv square right ye kab hoga body slip kar rahi hai yahan pe bhi slip kar diya slipping one so rotational kinetic energy will be zero इतना सीधा नहीं पता है अभी बोलेंगे ये तो सरफेस स्मूथ है तो बॉडी स्लिप करेंगे लेकिन यहां पे आने के बाद उसको ऐसा सरफेस मिल रहा है कि बॉडी रोल करे नॉट स्पिनिंग नॉट स्लिपिंग तो ये चलेगा क्या ना तो यहां पे उसका आएगा ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आर ओमेगा स्क्वायर मतलब जो आपने ई टोटल निकाला ई वो बन जाएगा अरे सर नो
एम विल कैंसिल या मे बी एम आएगा उसको जो हमने फॉर्मुलेशन किया सो ऑल द फॉर्मुलेशंस वी हैव टू डू अगेन एंड देन इतने हाइट के लिए कितना वेलोसिटी मिलेगा और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये रेशियो भी है अपने पास वो होने के बाद कितना क्या है हाउ मच वेलोसिटी मॉडलिंग रिक्वायर्ड सब प्रॉब्लम्स आर लाइक एंड ऑल्सो इसको यहां से क्या कहते हैं ऐसा ऐसा लिया ना ये जो है इसको टैंजेंट बना के ऐसा सर्कुलर पाथ करो तो क्या कर जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिए सॉल्व अगर बॉडी यहां पे आ गई दैट विल बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट रूट बाय ए दिया रूट किया रूट टू दिया आर गेटिंग द पॉइंट So, how much velocity must be supplied in order that body will complete one revolution? So, yeah, I think now much here. Abhi to game chalo, just the game has started. Abhi tak aapko just feeding hai, khana chahiye. Abhi kaam karwana hai. Hai? Mere ko khana kiya hai. Mere, arey sohno. Baad mein kaam karo. Abhi khana kiya hai. Abhi apna bar kaam karo. Haan? So, Be stout, be strong, be sure to Thank you, thanks a lot. Welcome after 50 minutes for the division. Okay? Exactly.